जी हाँ मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप्स बायोलॉजी में और मैं हूँ प्रदीप गौड़। आपको पता है कि हमने इससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी की वीडियो 2 ऑलरेडी अपलोड कर दी है मेरे बच्चों। ये सीरीज इसलिए चल रही थी कि जिससे कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना सकें और उनकी बेटर वे में प्रिपरेशन कर सकें और अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। क्लियर है मेरे बच्चों? और मैं आपको बता दूं, और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी और बहुत सारी चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। वन शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है चैप्टर फर्स्ट और सेकंड की। बहुत जल्दी चैप्टर थर्ड और फोर्थ की भी वीडियो आ जाएगी। तो आप अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं वादा करता हूं आपसे कि MST CET तक और नीट के एग्जाम तक मैं आपको कंटिन्यूस वीडियो देता रहूंगा, ठीक है? और हम मिलकर अच्छा फोड़ेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है? बाकी जो होगा देखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। तो देखते हैं जरा कि चैप्टर जो हमारा 11 है मेरे बच्चों, ठीक है? अच्छा, एक चीज और इन्फॉर्मेशन एक और आपको देनी थी मेरे बच्चों, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? वहां पर भी चैनल का नाम सेम है, प्रदीप्स बायोलॉजी, ठीक है? प्रदीप्स बायोलॉजी, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी नाम सेम है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर होगा क्या, मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दे दूंगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह दे दूंगा, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ के हो या फिर बायोलॉजी के। तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको क्या करना है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है या फिर लिख लेना है नोट करके डायरेक्ट, और वहां से उस चीज को याद करना है। जिससे क्या होगा, विद इन अ शॉर्ट टाइम आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करते कर सकते हैं सिलेबस को और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, और बाकी बताओ, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? कुछ तो होंगे सर, ठंडी लग रही है, सोने में मजा आ रहा है सर, है ना? सोने में मजा आ रहा है सर। चलो कोई बात नहीं, सोने में मजा आ रहा है मेरे बच्चों, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर मैंने एक अलग ही PDF ओपन किया हुआ है। यहाँ पर देखो, इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है? चैप्टर 11 से हमें यहाँ पर देखेंगे 15 तक। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 10 तक की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो एक्सरसाइज है ना, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। एक्चुअल में यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं समझिएगा। यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों, जैसे ये जो चार्ट है, इसमें आपको पढ़ के रखना चाहिए, क्या क्या इसमें पढ़ना है आपको, नॉर्मन ई बोरलॉग और डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये चार्ट आपको जरूर पढ़ करके जाना है। ग्रीन रिवोल्यूशन से ये रिलेटेड है। तो नॉर्मन ई बोरलॉग को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ये आपको पढ़कर जाना है। साथ ही साथ डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये क्या है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है? ये सारी चीजें पढ़कर जानी है। साथ ही साथ मेरे बच्चों यहाँ पर इन सीटू कंजर्वेशन, एक सीटू कंजर्वेशन, ये जरूर पढ़ करके जाना है, ठीक है? ये आपको इकोलॉजी वाले पार्ट में भी मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, ठीक है? ये आपको पढ़कर ही जाना है। उसके बाद मेरे बच्चों, अच्छा निकाल लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक, ठीक है, और कॉपी और पेन, जिससे कि आप सारी चीज को नोट कर सके। आगे देखिए मेरे बच्चों, वही नीचे की तरफ आते हैं हम, तो नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर टिश्यू कल्चर टेक्निक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? शुगर केन की वैरायटी वगैरह पूछता है, लेकिन उस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना। आपको ज़्यादातर फोकस किस पर करना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 249, ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये म्यूटाजेन यहाँ पर दिए गए हैं कि म्यूटेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कुछ नेचुरल म्यूटाजेन दिए गए हैं, कुछ केमिकल म्यूटाजेन दिए गए हैं, ठीक है? तो ये आपको पढ़ करके रखना है कि जो नेचुरल म्यूटाजेन है वो कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स रेज, है ना, यूवी रेज, ये सारी चीज़ आप जानते हैं। केमिकल कौन कौन से जो म्यूटेशन करते हैं, तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड होता है, EMS होता है, EMS क्या होता है, इथिल मेथिल सल्फोनेट होता है, मस्टर्ड गैस होती है, कोल्चिसिन होता है, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है मेरे बच्चों? अच्छा, और क्या पढ़ करके जाना है, छोटा सा एक यहाँ पर है टोटिपोटेंसी, ठीक है? प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक पढ़ करके जाना मेरे बच्चों। इसमें एक वर्ड है टोटिपोटेंसी, द सेल हैविंग एबिलिटी टू जनरेट ऑल काइंड ऑफ सेल इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी, ठीक है? इन विट्रो जानते हैं आप, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह, इन सीटू कंजर्वेशन, एक सीटू कंजर्वेशन तो मैंने आपको IMP कराया ही। साथ साथ इसके नीचे अगर हम आए मेरे बच्चों, ठीक है, इसके नीचे आए तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर देखिए सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है? तो सिंगल सेल प्रोटीन आपको पढ़ करके जाना है। यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों, ठीक है? सिंगल सेल प्रोटीन पढ़ कर जाना है, और एडवांटेज
ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है, ये आपको पढ़ करके जाना है। साथ ही साथ मेरे बच्चों, साथ ही साथ आपको क्या करके जाना है, आगे देखिए नीचे, हम ये डायरेक्ट मैंने पीडीएफ खोली है, ठीक है, और यहाँ से बायो फोर्टिफिकेशन, ठीक है, और क्या पढ़ करके जाना है, बायो फोर्टिफिकेशन, इंक्रीजमेंट द न्यूट्रिशनल वैल्यू इनटू द फूड सब्सटेंसेस इज कॉल्ड बायो फोर्टिफिकेशन, क्लियर है, ये पढ़ करके जाना है। और क्या पढ़ करके जाना है मेरे बच्चों, नीचे देखिए कुछ चार्ट दिए गए हैं उनके वैक्सीन वगैरह के नाम और किस किससे वो ऑब्टेंड होता है, ठीक है। अच्छा, ये कल्चर जरूर पढ़ लेना मेरे बच्चों, एपिस कल्चर, फिश कल्चर, ठीक है, सेरी कल्चर, लैक कल्चर, है ना, ये कल्चर जरूर पढ़ करके जाना, ये वन मार्क्स में पूछे जाते हैं ये जितने भी कल्चर हैं, ठीक है, शॉर्ट में किस कल्चर को क्या बोलते हैं, ठीक है, देखो लैक कल्चर, ठीक है। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, ये इडली डोसा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीचे की तरफ आएंगे मेरे बच्चों तो यहाँ पर एक आपको बेहतरीन सा फ्लो चार्ट मिलेगा, यहाँ पर देखो, ये चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से इस बार हमारे बोर्ड के एग्जाम में 2022 के जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये चार्ट कंपलसरी आपको पढ़ कर जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्लोरोमाइसिन, एथ्रोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है, साथ ही साथ टेरामाइसिन, ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, ठीक है। अच्छा और क्या पढ़ करके जाना है, ये वाला चार्ट जो है, ठीक है, ये वाला चार्ट भी आपको पढ़ करके जाना है मेरे बच्चों, ठीक है, ये दोनों जगह से क्वेश्चन पूछे गए थे, आप जाकर क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं आपको पेपर ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, जिब्रेलिन प्रोडक्शन ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, ठीक है, जिब्रेलिन वगैरह के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अच्छा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये ज़रूर पढ़ करके जाएंगे मेरे बच्चों, कभी कभी 3 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में पूछ लेता है, ठीक है, तो क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। और वहीं पर हम आगे बात करें और हमें क्या पढ़ करके जाना चाहिए, तो ये देखो ये एक फ्लो डायग्राम है, ठीक है, कि कैसे हम जो सीवेज होता है, कोई भी सीवर होता है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, उसका यहाँ पर फ्लो डायग्राम दिया गया है, तो इसे आप बना करके ईजिली आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। वहीं हम आगे बात करें इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में देखो गोबर गैस ये ज़रूर पढ़ करके जाना है आपको मेरे बच्चों, ठीक है, ठीक है, गोबर गैस प्रोडक्शन कैसे होता है, बायोगैस प्लांट जिसे हम कहते हैं, ये ज़रूर पढ़ करके जाना है। वहीं हम आगे बात करें मेरे बच्चों, वहीं हम आगे बात करें कुछ चीज़ें और, लास्ट में आइए ज़रा, लास्ट में आइए मेरे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आप बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, ये पढ़ करके जाएंगे, ठीक है, डायजोट्रॉफ्स, ठीक है, फ्री लिविंग जितने होते हैं, नॉन कुछ सिम्बियोटिक होते हैं, कुछ नॉन सिम्बियोटिक होते हैं, कैसे इसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन मेरे बच्चों जो काफ़ी हॉट हैं, हमेशा पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केसेस में, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे एमएसटी सीटी का एग्जाम हो, या फिर कोई और, ठीक है। साथ ही साथ मेरे बच्चों लास्ट जो पॉइंट है मेरे बच्चों वो क्या है, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर के बाद हमारा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो कैसे होता है, यहाँ पर देखिए माइकोराइजा पढ़कर जाइएगा मेरे बच्चों, ठीक है, जो माइकोराइजा होता है, ठीक है, ये जरूर पढ़ करके जाइए, फंगल बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, इसमें माइकोराइजा आप पढ़ेंगे, ठीक है, इक्टोमाइकोराइजा और इंडोमाइकोराइजा, ये क्या होता है जरूर पढ़ करके जाएंगे। राइजोबियम बैक्टीरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे पढ़ करके जाना है। साथ ही साथ मेरे बच्चों वहीं हम बात करें कुछ नीचे की तरफ, देखिए यहाँ पर जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हैं बैक्टीरिया, ठीक है, सभी की सभी, एजिटोबैक्टर भी आपको पढ़ करके जाना है, एजिटोबैक्टर भी पढ़ करके जाना है। फिर उसके बाद देखिए ये रूट नोड्यूल्स जो बन रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो रूट नोड्यूल्स बन रहे हैं ये पढ़ करके जाना है, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर देखिए एजो स्पायरलम, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला तो तुम्हें पढ़कर ही जाना है, ठीक है, एजो स्पायरलम क्या होता है, एना बेना क्या होता है, एजोला कैसे करता है, ये सारी चीज़ें, और ये जो चार्ट दिया गया है इस चार्ट को भी पढ़कर आपको जाना है, क्लियर है। अगर इतना पढ़ लिया मेरे बच्चों, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, अगर आपने इतना ही पढ़ लिया तो काफ़ी है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर लास्ट में आप क्या कर लेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है, एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में मेरे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसे सॉल्व कर लेंगे, बस आपका काम
हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें मेरे बच्चों कि चैप्टर 12 में क्या क्या करना है, तो चैप्टर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चैप्टर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर 12 में देखिए, आपको पता है इस बार चैप्टर 12 से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो नीट का एग्जाम हो चाहे हमारे बोर्ड का एग्जाम हो। तो सबसे पहले आपको MCQ सॉल्व कर लेने मेरे बच्चों, फिर उसके बाद क्या करना है यहाँ पर देखिए, वेरी शॉर्ट में पहला क्वेश्चन, नेम द वेक्टर विच इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन थ्रू रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। सबसे बेचारा वाला बैक्टीरिया E. coli है ना, E. coli, इसी को पकड़ते हैं। दूसरा वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, विच सेल ऑफ Langerhans ऑफ पैंक्रियास डू प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन, बीटा सेल, ठीक है, ये करके ही जाना है, पैंक्रियास का तो करके ही जाना है, ठीक है। वहीं ये चैप्टर जो क्वेश्चन 4 है मेरे बच्चों, इसमें यैक, यीस्ट, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, रिकॉम्बिनेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो मोस्ट ऑफ द केस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, PCR, ठीक है, और GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये जरूर पढ़ करके जाएंगे। और DNTP पढ़ने की जरूरत नहीं, जब आप PCR पढ़ेंगे तो DNTP ऑलरेडी उसमें है, क्लियर है मेरे बच्चों। साथ ही साथ ये फिल इन द ब्लैंक ये आप करके जाएंगे। वहीं वेरी शॉर्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ गुड और आइडियल क्लोनिंग वेक्टर फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, तो ये आप पढ़ करके जाएंगे, टूल्स एंड टेक्निक, क्लियर है मेरे बच्चों। अच्छा, वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पेज पर देखिए, ये आप कर लेंगे, ठीक है, ये जो फ्लो डायग्राम दिया गया है मैच करने के लिए, ये ज़रूर आप करेंगे। साथ ही साथ लॉन्ग टाइप में आपको क्या क्या करना है मेरे बच्चों, जो इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे, बायोपायरेसी और बायोपेटेंट, ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप पढ़ कर जाएंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, तो अगर ये आपको स्टेप याद है तो हर टाइप का जो भी रिकॉम्बिनेंट बनेगा वो इसी तरह से बनेगा। थर्ड वन पढ़कर जाना चाहिए आपको, जीन थेरेपी क्या होती है, नॉन फंक्शनल जीन को फंक्शनल जीन के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है, कुछ सोमेटिक में होती है तो बोलते हैं सोमेटिक जीन थेरेपी, जो जर्म सेल में होती है उन्हें बोलते हैं जर्म सेल जीन थेरेपी, क्लियर है। चलिए, PCR अगेन आ गया, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। अब सिक्स वाला देखिए, व्हाट इज वैक्सीन, ठीक है, इसे नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, वैक्सीन को आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ऑलरेडी पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। सेवेंथ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनलिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, कॉमनली यूज इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, राइट एंड ऑन देयर रोल, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, कट करता है, और उसके टाइप, और वो कैसे कट करता है, कैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैसे बनाता है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। इस तरह से अगर आपने इन क्वेश्चन को कलेक्ट किया और इनको प्रॉपर अगर आपने मेमोराइज किया मेरे बच्चों, तो डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। चलिए आते हैं चैप्टर 13 पर। चैप्टर 13 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते मेरे बच्चों, यहाँ पर देखिए, चैप्टर 13 से MCQ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, MCQ सॉल्व कर लेंगे वेरी शॉर्ट में। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक जो एक इंट्रैक्शन होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कॉमेंसलिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैमोफ्लेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैरासिटिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ चैप्टर यहाँ पर देखिए, चैप्टर 13 का क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ दोनों पढ़ करके जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चैप्टर 13 का सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, वो है इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन और इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आगे देखिए, शॉर्ट टाइप आंसर में आप फोर्थ क्वेश्चन ऑर्चिड का पढ़ करके जाएंगे, क्लास 11th में ऑलरेडी आपने पढ़ा, एपिफाइटिक रूट होती है जिसमें वेलामिन टिश्यू होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, इसे ज़रूर पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में ए, ठीक है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या होता है, विंटर स्लीप और समर स्लीप, इस चीज़ को पढ़ करके जाएंगे, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन में मेरे बच्चों दो क्वेश्चन आपको पढ़ करके जाने, एडाप्टेशन ऑफ डेजर्ट एनिमल, ठीक है, तो उसके साथ प्लांट भी पढ़ लेना, साथ ही साथ एडाप्टेशन ऑफ प्लांट टू वाटर, जब कोई प्लांट वाटर में होता है तो उसमें किस टाइप का एडाप्टेशन होता है, रूट पॉकेट वगैरह बनते हैं, है ना, बाकी सारी चीज़ें। चलिए, सेवेंथ वाला क्वेश्चन, डिफाइन द पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, बहुत ही सिंपल है, लॉन्ग टाइम में आप पढ़ करके जाएंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ये पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हमने चैप्टर 13 कंप्लीट किया मेरे बच्चों, आइए चैप्टर 14 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 14 देखिए, MCQ सॉल्व कर लेने आपको,
वहीं पर क्वेश्चन सेकंड में जो वेरी शॉर्ट है उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम विच शोज इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, पिरामिड जरूर पढ़ना है, ठीक है। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम विच शोज इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ से नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। वहीं पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में मेरे बच्चों सेकेंड वाला क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप, डिस्टिंग्विश बिटवीन फूड चैन एंड फूड वेव, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, टेंथ में तो ज़्यादातर केस में पूछता है। वहीं पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आप पहला क्वेश्चन ट्रिक कर लीजिए, डिफाइन द इकोलॉजिकल पिरामिड एंड डिस्क्राइब विथ एग्जाम्पल्स पिरामिड ऑफ नंबर एंड बायोमास, ठीक है। तो ये रिपीट हुआ है, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास अगर पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। वहीं पर मेरे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है और नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ करके जाएंगे। वहीं फिफ्थ वाला क्वेश्चन मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब कार्बन साइकिल एंड ऐड अ नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन कार्बन साइकिल, ये पढ़ करके जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें हमारा जो लास्ट चैप्टर मेरे बच्चों चैप्टर 15 में, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में, इसलिए हमें किससे डिस्कस करना पड़ेगा, पीडीएफ से, ठीक है, हम पीडीएफ से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप क्या क्या सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, एक्सरसाइज से एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर में वेयर वाज ओजोन होल डिस्कवर्ड, कहाँ पर खोजा गया था ओजोन होल बताइए, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लर्न करेंगे। आइए मेरे बच्चों देख लेते हैं जरा हम पीडीएफ से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो एक सेकेंड, बायोडाइवर्सिटी हम देख रहे हैं ना, हाँ रुक जाओ मेरे बच्चों जस्ट ए सेकेंड, हाँ यहाँ पर आपको करना क्या है, कौन कौन सी चीज़ें लर्न करनी है। पहला चीज़ यहाँ से पूछ लिया जाता है मेरे बच्चों, ठीक है, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी है क्या, डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं इस अर्थ पे उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब इसमें ये वाली लाइन जरूर पढ़ करके जाना, ये वाला पैरा जरूर पढ़ करके जाना बच्चा, ठीक है। वाल्टर रोजन जो हैं उन्होंने कौन सा टर्म दिया था, टर्म बायोडाइवर्सिटी दिया था, बट इसे डिस्क्राइब किसने किया था, विल्सन ने, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें मेरे बच्चों कुछ और चीज़ों की, क्या और पढ़ करके जाना चाहिए, वन मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादातर वन मार्क्स के, टू मार्क्स के यहाँ से पूछे जाते हैं, कभी कभी थ्री मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आइए मेरे बच्चों ये देखिए यहाँ नीचे ये जो ग्राफ दिया गया है ना, ये ग्राफ जरूर पढ़ करके जाएगा वॉन हम्बल्ट का, ठीक है, ये ग्राफ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये ग्राफ जरूर पढ़ करके जाइएगा मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ इसमें एक छोटी सी चीज़ और है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, या रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है, जो कि हिडन है, दिखता नहीं कई बार लोगों को, रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस, ये पूरा का पूरा पैरा आप पढ़ करके जाएंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के, एमएसटी सीटी के और हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये पूरा इसके नीचे भी पैरा है मेरे बच्चों, वो पढ़ करके ही जाना है आपको, ठीक है, ये पूरा का पूरा पैरा आपको पढ़ करके ही जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मेरे बच्चों और आपको क्या पढ़ना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी जो लॉस है इविल क्वार्टेट, वो आपको पढ़ करके जाना चाहिए, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस में क्या क्या चीज़ें मेरे बच्चों, फोर ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं देखो आपको पढ़ करके जाना है। पहला है मेरे बच्चों हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, और वहीं अगर हम बात करें जो दूसरा है वो कौन सा है बताइए, दूसरा आप पढ़ करके जाएंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, और कौन सा है मेरे बच्चों, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये फोर्थ वाला को एक्सटिंक्शन, तीसरा क्या है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, यहाँ ऊपर देखने को मिलेगा आपको, दिखाते हैं ये देखो एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ठीक है, ये तीन, तो ओवरऑल चार दिए गए हैं, तो ये चारों आपको पढ़ करके ही जाने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ईजी है। और रेड डाटा बुक वगैरह थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे, इंस्टिंक्ट कौन कौन से स्पीसीजेस हो गई हैं, कौन कौन से इंडेंजर्ड हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में पूछा जाता है। बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाता है, ठीक है, नैरो यूटिलिटेरियन और ब्रॉड यूटिलिटेरियन। अब देखो मेरे बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट, इस पूरे के पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट
जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा यही है, ये वाला, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो दो मेथड है मेरे बच्चों, इन सीटू कंजर्वेशन और एक सीटू कंजर्वेशन। ये जरूर पढ़ करके जाइए कि यहाँ से ये 34 बायोडाइवर्सिटी जो पूछा था गया था ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था 1 मार्क्स का, और ये 3 मार्क्स का पूछा गया था इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, इन सीटू और एक सीटू कंजर्वेशन। ये तो तुम्हें पढ़ करके ही जाना है, ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन पढ़ना है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक सीटू कंजर्वेशन, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये आपको करके जाना है इतना। वहीं अगर हम नीचे की बात करें, नीचे की तरफ चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है क्या, आइए देखते हैं मेरे बच्चों। तो नहीं जी, आपको और नीचे पढ़ने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है, नीचे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा सुनो, रुक जाओ, ग्रीन हाउस इफेक्ट ना एक छोटा सा टॉपिक है मेरे बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा पॉल्यूशन तुम मत पढ़ना, ठीक है, पॉल्यूशन पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, तुम्हें पता है लोग सिगरेट खा के सिगरेट पी करके धुआं उड़ा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, दैट्स वाई क्या हो रहा है, बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। हाँ चलो, ग्रीन हाउस इफेक्ट मेरे बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ करके ही जाना, और ओजोन लेयर के बारे में, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग, ये वाले टॉपिक आप करके जाना, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अगर इतना आपने कर लिया तो आप पूरी तरह से, मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, 90+ 100% आप स्कोर करके आएंगे, जितना बताया अगर आपने उतना लर्न किया तो, ठीक है। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगर कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।